देश में पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध स्वरूप आज कांग्रेस ने भारत बंद का ऐलान किया था। इस भारत बंद का ऐलनाबाद में मिला जुला असर देखा गया। यहाँ बंद के दौरान अधिकतर दुकानें खुली रही, जबकि कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। शहर के सभी बाजारों में आम दिनों की अपेक्षा कम ही रौनक थी। लगातार तीसरे दिन बाजार बंद होने से दुकानदारों व आम लोगों को परेशानी हुई। लोगों का कहना है कि दुकानें बंद करवाने से किसी समस्या का हल नहीं होता। इधर कांग्रेस पार्टी की ओर से इकलौते नेता रमेश भादू अपने कुछ साथियों को लेकर बाजारों में घूमते रहे। रमेश भादू ने दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद रखकर भारत बंद को सफल बनाने की अपील की। आज 10 तारीख को कांग्रेस की तरफ से जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसमें पूरे इलाहाबाद शहर के व्यापारियों ने, किसानों ने, ग्रामीणों ने, सभी ने भरपूर सहयोग दिया है और पूरा बाजार कम्प्लीटली बंद है और हम उनका धन्यवादी हैं, व्यापारियों का, किसानों का, जिन्होंने सहयोग किया, समर्थन किया, जो कांग्रेस का फैसला उन्होंने हृदय से लगाया और अपने आप सारी दुकानें सुबह से बिल्कुल कंप्लीट बंद है। और धन्यवाद करूंगा सभी साथियों का जो यहां पहुंचे, उन्होंने अपना सहयोग दिया, लोगों से अपील की और लोग मान भी गए, लोग साथ भी हैं। तो अब हम सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाए और तेल के दाम जो है वो कम किया जाए, ताकि किसान, व्यापारी, मजदूर, जो महंगाई बढ़ रही है उस पे लगाम लगाई जा सके, बेरोजगारी खत्म की जा सके और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। आज के इस भारत बंद से कांग्रेस पार्टी ने जनता के हित से जुड़े मुद्दे तो जरूर उठाए हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का दमदार प्रदर्शन नहीं होना इसी बात की ओर संकेत करता है कि उन्हें अभी और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे तो सत्ता में वापसी का उनका इंतजार और लंबा हो सकता है। यदि समय रहते कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं हुए तो फिर उनका भगवान ही मालिक होगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके।